हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप रियलमी के फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हैं, यानी कि एक साथ दो से तीन लोगों से बात करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने रियलमी के फ़ोन में कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहें, यानी कि दो तीन चार लोगों से बात करना चाहें एक ही बार में, तो किस तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल करके हम बात कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको डायलर को ओपन कर लेना है, और डायलर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, पहले एक पर्सन को आपको इस तरीके से कॉल लगा लेना है, और कॉल लगाने के बाद फ्रेंड्स, ये कॉल जैसे ही रिसीव हो जाएगी, उसके बाद फ्रेंड्स, आप सेकेंड पर्सन को भी जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं कि कॉल मेरी रिसीव हो चुकी है। अब दूसरे बंदे को जोड़ना रहे, यानी कि कॉन्फ्रेंस करना रहे, तो यहां पर ऐड कॉल का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर जिस भी बंदे या बंदी के पास आप तीसरे बंदे को जोड़ना चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पर कॉल कर लेना है। जैसा कि मान लीजिए यही कॉल इस नंबर पे मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैंने कॉल कर लिया। और यहाँ पर कॉल करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आकाशपाल होल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर कॉल जैसे ही रिसीव होगी, अब आप तीन पर्सन से आप बात करना चाहोगे। जैसा कि ये भी कॉल रिसीव हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैरिज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो, यहीं पर इसी पर आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका कॉल फ्रेंड्स हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तीन लोग अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कॉल फ्रेंड्स कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने लोगों से बात हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेज का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जिन जिन बंदों से आपका बात हो रहा होगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, एक बंदे को आपको कट करना है, मान लीजिए ये फोन कट करना है और इनसे अकेले में बात करना है, तो इस तरीके से आप कट कर दीजिए और इनसे बात होने लगेगी। यानी कि एक बंदे से अब बात करना चाहो, कॉन्फ्रेंस पे आप हो, अब एक बंदे से बात करना चाहते हो, तो मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक बंदे का कॉल कट कर देना। और कॉल कट करने के बाद फ्रेंड्स, जिस बंदे से आप बात करना चाहते हो, इस तरीके से बात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रियलमी के किसी भी फ़ोन में अगर एक साथ तीन लोगों या चार लोगों से बात करना चाहो कॉन्फ्रेंस कॉल करके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।